स्फेरिकल में, स्फेरिकल के दो होते हैं टाइप्स, पहला मैंने कहा था कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो होता है जो कर्व सरफेस नहीं, कर्व सरफेस का आउटर सरफेस जो पॉलिश होता है वो होता है, और कॉन्वेक्स वो होता है जिसका इनर पार्ट पॉलिश होता है, आउटर पॉलिश नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ये है और ये, इसका इनर मैंने कर दिया तो ये कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन ये क्या है, कॉनकेव है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बस इन्हीं पर धीरे धीरे बात करेंगे। और इसके लिए हमने कहा था छह प्लेसेस होते हैं इस मिरर पर ऑब्जेक्ट रखने के, और इस मिरर पर दो प्लेसेस सिर्फ होते हैं। इस मिरर पर जो होते हैं छह प्लेसेस वो क्या होते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, यहाँ एक फोकस होता है और यहाँ आप सी होता है। ये सी क्यों होता है, हमने बताया था कि ये एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल हॉलो सिलेंडर होता है, मतलब ओ सॉरी बॉल होता है, सर्कुलर स्फेरिकल बॉल होता है। उस बॉल के एक कुछ पार्ट को काट देते हैं, जो इस बॉल का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम सी बोलते हैं, जो सेंटर होता है उसका उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलते हैं। इसको हम पी, इसको पॉइंट पी बोलते हैं, ये मिड पॉइंट होता है इसका। इससे पी से सी के डिस्टेंस को हमने कहा था आर कहते हैं हम। जो ये होता है ये मिड पॉइंट होता है सी और पी का, इसको बोलते हैं हम फोकल, फोकस बोलते हैं। और इस लेंथ को हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा था एफ इजिकल टू क्या होता है, आर बाई टू होता है, ठीक है ना। हमने ये चीज वीडियो में प्रूफ भी किया है। चलिए ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। हमने कहा था आपके पास ऑब्जेक्ट रखने के छह प्लेसेस हैं। जब आप छह जगहों पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कितना बनेगा, छह अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेज बनेगा। जब कहीं और रखोगे तो कहीं इमेज बनेगा, कहीं और पोजिशन चेंज करो। पहला पॉइंट हमने कहा था पी और एफ के बीच में, यहाँ 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 जहां आपका मन भरे किसी भी पॉइंट पर आप रख दो, इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। चलो ऐसे अगर नहीं सुनना चाहते हो तो थोड़ा और इंटरेस्टेड पॉइंट बता दूं। आप पीछे से रखते हो, हमने कहा था छह पॉइंट, एक आप पी और एफ के बीच में कहीं रख दो, दूसरा सी और सॉरी एफ और सी के बीच में कहीं भी रख दो, तीसरा सॉरी भाई मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्चुअली। लाइन से जब बताएंगे तो लाइन से याद करने में थोड़ा सिंपल रहेगा, और आप इन वीडियोस को क्या करोगे थोड़ा आसानी से याद करते हो। देखो कॉन्सेप्ट कैसे कितना है, मतलब एक ट्रिक है याद करने का, मैंने जो अपने हिसाब से बनाया है उसकी बात करता हूँ। हमने कहा है कि पी और सी के बीच में रख दो, आप पी और एफ के बीच में रख दो, दूसरा पॉइंट एफ पर रख दो, तीसरा पॉइंट एफ और सी के बीच में कहीं भी रख दो, चौथा पॉइंट सी पर रख दो, पांचवा पॉइंट सी के पीछे और इन्फिनिटी से पहले रख दो, और छठवां पॉइंट है इन्फिनिटी पर आप ऑब्जेक्ट को रखो और फिर इमेज बनाओ। अब देखिए आप जब आप इन्फिनिटी पर इमेज को ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ, फोकस पर बनेगा, ठीक ना। अगला पॉइंट, जब आप उससे पहले इन्फिनिटी से पहले मतलब सी के बाद में इन्फिनिटी से पहले जब रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, मतलब जब ऑब्जेक्ट को रखने वाला प्लेस एक पॉइंट इधर करोगे तो जो इमेज पहला बना हुआ है वो तुरंत एक पॉइंट इधर आएगा। जब इसको एक पॉइंट इधर करोगे तो एक पॉइंट इधर आएगा, जब एक पॉइंट इधर करोगे तो एक पॉइंट इधर आएगा, जब एक पॉइंट इधर इसको आगे करोगे तो एक पॉइंट इमेज आगे हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट को आगे करोगे तो इमेज और पीछे हो जाएगा, और जब लास्ट पॉइंट पी और एफ के बीच में आएगा तो कहाँ चला जाएगा, वर्चुअल स्पेस में बन जाएगा, ठीक है ना। आओ फिर से एक बार, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो इमेज फोकस पर बनेगा, जब इन्फिनिटी से पहले और सी के बाद में रखोगे तो कहाँ बनेगा, पी और एफ और सी के बीच में बनेगा इमेज, जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे तो इमेज भी सी के नीचे बन जाएगा सेम पोजिशन पर, जब आप उसको एफ और सी के बीच में रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट एफ पर रखोगे तो इमेज एट इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे ही आप एफ और पी के बीच में रखोगे तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब वर्चुअल स्पेस में इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। इतने ही पॉइंट थे, अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये हमने कल भी वीडियो में बात किया था, आज हम इसकी पॉइंट की बात नहीं करेंगे। हमने कल ये भी बताया था कि मिरर फार्मूला एक होता है, हमने क्या बताया था, एक मिरर फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जो मिरर फार्मूला हमने बताया था वो हमने आपको बताया था कि मिरर फार्मूला होता है वन अपान एफ इक्वल टू, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। क्या होता है मिरर फार्मूला, हमने कहा था आपसे कि होता है वन अपान एफ इक्वल वन अपान वी प्लस वन अपान यू, ठीक है ना। हमने ये भी कहा था कि एक लेंस फार्मूला होता है, इसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं, किसे कहते हैं, मिरर फार्मूला। और अगर हम वन अपान वी इक्वल टू वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला, क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला, ठीक है ना। इसका हम यूज करते हैं कभी कभी, कह देगा फोकल लेंथ किसी लेंस स्फेरिकल लेंस का, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस का, एफ फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, और स्मॉल बनेगा, स्मॉलर देन साइज बनेगा, सेम साइज बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर फार्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मिरर फार्मूला पढ़ते सिर्फ नहीं है, हम इसको ड्राइव भी करेंगे यहाँ, ठीक है ना। आइए
अब हम इस मिरर फार्मूले को ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? इस मिरर फार्मूले को ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए देखिए, आप एक क्या करिए, इस कॉनकेव लेंस बनाइए, मिरर, कॉनकेव मिरर बनाइए, इसका फोकल लेंथ भी बनाइए, तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका है सी, ये क्या है आपका सी है, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस, एफ फोकस है ये, और अगला जो पॉइंट है ये क्या है, पी पोल है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं पीछे रख दिया, ठीक है ना, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है ना, ऐसे रखो या हाँ ठीक है ए बी। मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लाइट आप इंसिडेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। चलो यही हमने बताया तो यही हम तुरंत डाल भी देते हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। चलिए दूसरी लाइट मैंने इंसिडेंट कर दिया किस पर, पोल पर, हमने कहा था जब पोल पर लाइट आप इंसिडेंट करोगे तो वो सेम एंगल बना के रिटर्न होगी, ठीक है ना। तो जब आपने पोल पर रखा तो ये जितना भी एंगल आई होगा सेम एंगल आर बना के ये रिटर्न चली जाएगी, ठीक है ना। आइए ठीक, अब ये इसका मतलब आई और आर दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई और आर दोनों बराबर होते हैं। आइए तीसरा पॉइंट मैंने क्या किया, फोकस पर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिरा दिया। आप कहीं भी गिराओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट होती है वो सेम पाथ से रिटर्न जाती है, सही है ना। ये हो गया आपका पूरा लाइट इंसिडेंस का प्रोसेस। अब बताइए आप इसकी इमेज कहाँ बनी, इसमें कौन सा इमेज बनता है ये बता दो आप, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसमें रियली इसके रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट कोइंसाइड करती है, मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इसका मतलब ये है ए डैश और ये है बी डैश, ठीक है ना, ए डैश बी डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो हमको क्या करना है, मिरर फार्मूला ड्राइव करना है। मिरर फार्मूला फिर से एक बार आप लिख दो यहां, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग हम लिख दे रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग हम फाइंड करते हुए चलेंगे। ये है आपका मिरर फार्मूला, ठीक है ना, ये है मिरर फार्मूला, उसी के रिलेटेड हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा, देखिए कोई भी ट्रायंगल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना पड़ेगा। चलिए हमने लिया ए बी पी, ये ट्रायंगल लिया ए बी पी, जब हमने ट्रायंगल ए बी पी लिया तब देखो आप, बात करता हूं मैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर कहता है ना, इसका मतलब आई और आर दोनों बराबर है, ये 90 है और ये एंगल भी तो 90 है। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 हो गया, ये आई हो गया, जो आई हो गया वही आर, आई आर इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये 90 है, इसका मतलब ये एंगल, एंगल बी और एंगल बी डैश दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये 90 इमेजिन कर लो, ये 30 है तो ये 30, 90 30 120 तो ये कितना हो गया 60। अब इसको देखो ये भी, ये 30 है तो ये भी 30, 30 और 90 120 और ये भी 60, इसका मतलब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एबीपी एंड ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, सिमिलर है ना, इसका मतलब इनके साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा, ठीक है ना, सिमिलर है तो सिमिलरिटी का हम प्रॉपर्टी यहां लगा देते हैं। देखिए कैसे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलो ए बी अपॉन ये क्या है, सिमिलर है तो इसका मतलब ए बी ए डैश बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, सीपी, हाँ है ना, सॉरी एपी, सीपी नहीं, इसको एपी हमको कहना चाहिए, ठीक है ना, एपी, अब एपी लिखो यार, एपी अपान क्या हो जाएगा, ए डैश पी, ए डैश पी, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मैं इक्वेशन वन मान करके यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक। आइए अब हम दोबारा फिर से बात करते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक और सिमिलर ट्रायंगल ले लो आप, कौन कौन सा, देखो आप अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी ले ले रहा हूं, ठीक है, बी ए सी या ए बी सी, ट्रायंगल हमने क्या लिया, ए ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, और कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है, देखिए ये इसके सिमिलर ये होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा,
ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल 90, ये भी 90, इधर 90 है तो इधर भी तो 90 है। जब ये 90 ये 90 तो ये तीसरा वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश सी के, किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, ठीक है ना। अब ये क्या हो जा रहा है, सिमिलर हो गए। इसके लिए फिर से सिमिलरिटी का कंडीशन लगाओ, सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, वही बात फिर से लगा दे रहे हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा। देखो आप ए बी अपान ए डैश बी डैश, उसके बाद रखेंगे ए सी, ए सी अपान हम रख सकते हैं ए डैश सी, ठीक है ना, बोले कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इक्वेशन टू, ये इक्वेशन क्या है, टू है। अब देखिए आप जो इक्वेशन टू है और इक्वेशन वन है, इन दोनों इक्वेशन में कुछ इक्वल है, एल एच एस इक्वल है दोनों का, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अगर एल एच एस इक्वल है इसका मतलब आर एच एस भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। इसका मतलब ए पी अपान ए डैश पी इक्वल ए सी अपान ए डैश सी, बोलो आप, ठीक है ना। अभी देखो जब ए पी है, ध्यान दीजिएगा, ए पी, ए पी मतलब ये पॉइंट, ठीक, ए पी मतलब कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ए डैश पी का मतलब ये पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा और भी चीज हम बताए नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे तब हम बताएंगे। ए सी, ध्यान दीजिए, ए सी, ए सी मतलब ये पॉइंट, ए सी मतलब ये पॉइंट, ए सी और क्या है, ए डैश सी, क्या है, ए डैश सी, ए डैश सी मतलब ये पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ इसको, एक्चुअली हमने आपको बताया, चलिए अच्छा बता ही देता हूँ मैं पहले, उसके बाद तब आप कहते पोल से, और हम बताया था लेकिन आज मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैंने, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोल दिया था। यहाँ हम देखिए क्या कहते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट आप रखते हैं और जो पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, मतलब ये पी से ए के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यू बोलते हैं। इस डिस्टेंस को जो इमेज बनता है, मतलब ए डैश और पी जो इमेज बनता है, उस डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं, स्मॉल वी, ठीक है ना, इसको हम यू बोलते हैं, इसको हम वी बोलते हैं। और जो पी और एफ होता है, जो इसको हम बहुत पहले जानते ही हैं कि इसको हम फोकल लेंथ एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। बोलिए कोई डाउट, तो हम इसको यू बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं और इसको सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसको यू, जो हम रखा है उसको वी, और जो हम इसको रखे हैं फोकल लेंथ है उसको सी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, एक्स्ट्रा माइंड लगाने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा हम यू वी एफ के फॉर्म में सेट करेंगे, यू वी एफ या आर जैसा भी सेट हो जाए, क्योंकि आर भी टू एफ होता है ना, तो कैसे भी आपको सेट करना है। देखिएगा जो आपका ये ए सी है, ध्यान दीजिए जो ए सी है, ए सी कहाँ है, ये है जो ए सी है, क्या मैं ए सी को ये लिख सकता हूँ कि पूरा टोटल ए पी माइनस सी पी, बता लो, सिंपल सी बात है, अगर ये 10 मीटर है और ये 50 मीटर, तो 50 माइनस 40 लिख दिया तो 10 ही तो लिखा है वो, ठीक है ना, तो ये कितना है ए पी, ए सी को हम क्या लिखना है, ए पी माइनस सी पी। देखिए ए सी को हमने क्या लिखा, ए सी को हमने लिख दिया ए पी माइनस सी पी, ठीक। अब देखिए ए डैश सी को हम क्या लिख रहे हैं, ए डैश सी, देखिए ए डैश सी यही है ना, ए डैश सी को हमने लिख दिया सी पी टोटल माइनस ए डैश पी, क्या लिख दिया सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी ही तो, ए डैश सी ही तो बचा, मतलब मैंने क्या लिख दिया सी पी माइनस ए डैश पी, और इसको हम वही रख दे रहे हैं ए पी अपान ए डैश पी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब है अब इसको हम अपने हिसाब से लिखते हैं जो वैल्यूज मालूम है हमको, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको ए पी को क्या बोलते हैं, ए पी क्या है, हमने कहा था जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है वहां से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको यू बोलते हैं। चलिए पहले हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं साइन कन्वेंशन की बात फिर से करते हैं, कल हमने बात किया था, हमने कहा था देखिए साइन कन्वेंशन में जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये रिफ्रेक्शन का डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो देखो आप, अब मैं यहां ऐसे मत देखो, यहां देखो जो मिरर के जस्ट सामने होता है वो सब निगेटिव होता है, ठीक है ना, जो मिरर के अपोजिट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव होता है वो क्या, सॉरी नीचे होता है वो क्या होता है, निगेटिव। एक बार फिर से,
जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव, जो इसके राइट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड होता है वो क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब आप ध्यान से दीजिए, देखिए और वैल्यू को रखिए, ठीक है ना। आइए देखिए, देखिए बात करें, अब आइए, ये क्या है यू, ये क्या है यू, ए से पी यू, ए डैश, हाँ ए डैश यहाँ है, ए डैश, जो ए डैश है, ए डैश पी क्या है, वी, और जो एफ पी है वो क्या है, एफ, स्मॉल एफ। देखिएगा ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, इसका मतलब तीनों क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, तीनों यू वी एफ तीनों क्या है, निगेटिव है। आइए अब हम वैल्यू रखते हैं, ए पी को क्या कहते हैं, ए पी को हमने यू कहा है विद निगेटिव साइन, ए डैश पी को देखिए आपने क्या कहा है, वी कहा है लेकिन विद निगेटिव साइन, ठीक है ना। आइए ए पी को आपने क्या कहा है, यू कहा है, वो भी निगेटिव साइन। सी पी, सी पी देखिए क्या है, सी पी क्या है, अब सी पी हमको मालूम नहीं है लेकिन हमको एक चीज मालूम है कि सी पी को हम आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मालूम है ना, सी पी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं। तो इस ये भी लेफ्ट ही है, इसका मतलब निगेटिव, निगेटिव आर है अपान। फिर देखिए नीचे क्या होगा, सी पी क्या है, सी पी क्या है, आर ही है विद निगेटिव साइन, विद निगेटिव। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, माइनस वी है, माइनस माइनस वी, ठीक है ना। ये माइनस वैल्यू इसका है, वी का माइनस है, और ये जो निगेटिव यहाँ है इसका है, ये भी वही कंडीशन यहाँ है। आइए देखिए ये दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वाई वी इक्वल, ये लिखेंगे आप यू माइनस माइनस प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें हम थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करते हैं, देखिए ये जो आर है, चलिए अच्छा ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़िए, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, इसको u बाई वी लिखो, और इसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, r माइनस यू कर दूँ कोई दिक्कत, इसको v माइनस आर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज करते हैं क्योंकि आपके बोर्ड पर अब स्पेस नहीं है। ठीक, आइए अब हमने इसको क्या करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले क्या करो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा u इंटू वी माइनस आर, और इक्वल हो जाएगा v इंटू आर माइनस यू, मल्टीप्लाई करो u v माइनस यू आर, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगा v r माइनस u v, बोलिए ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा r वाले पोर्शन को इकट्ठा करो आप, ये निगेटिव आर है, ये इसको आप इधर कर लो और इसको आप इधर कर दो, ये हो जाएगा u v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू वी इक्वल यू आर प्लस वी आर, इसमें से आप आर कॉमन ले लो तो हो जाएगा यू प्लस वी, हो जाएगा ना यू प्लस वी हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी टू यू वी हो जाएगा, टू यू वी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको घुमाओ आप इस, अच्छा रुको r की वैल्यू आप निकालो, यहाँ r इक्वल आपको मिल जाएगा टू यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, मिल जाएगा ठीक है ना, जो ये मिल गया। अच्छा अब थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ, यहाँ देखिए बात करेंगे, जब यहाँ हम बात करेंगे तो हमने आपको पहले भी बता दिया है r इक्वल टू क्या होता है, टू एफ होता है, मैंने कहा था f इक्वल टू r बाई टू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा ना, तो r इक्वल टू आपको टू एफ, इसका मतलब क्या आप r के प्लेस पर टू एफ रख सकते हो, क्योंकि हमने जो इक्वेशन हमें जो फाइंड करना है वो यू वी एफ फाइंड करना ना कि r के रिलेशन में, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टू एफ इक्वल टू, टू एफ इक्वल टू हो जाएगा टू यू वी अपान यू प्लस वी, ठीक है ना। और जब आपका ये मिल जाएगा तो ये टू एल एच एस आर एच एस में कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा f इक्वल टू u v प्लस u प्लस वी, ओ सॉरी डिवाइडेड बाई u प्लस वी, इसको आप रेसिप्रोकल करो, क्या कर दो आप इसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल करो, अगर आप चाहो तो इसका डिनोमिनेटर क्या है वन, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन f इक्वल मिल जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई u v, इसको देखो आप वन अपॉन f इक्वल आप इसको लिख सकते हो u अपॉन u v प्लस वन सॉरी v अपॉन u v, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमको मालूम है, मैं बता रहा हूं क्या मालूम है, एक मिनट,
देखो हमको ये मालूम है, जैसे एक्स प्लस वाई बाई टू लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम है डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, मतलब इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई बाई टू। तो जब इसको एक्स प्लस वाई बाई टू, तो एक्स प्लस वाई बाई टू को ये नहीं लिख सकते? बहुत आराम से, वही मैंने लिखा, यू से यू कैंसिल करो, वी से वी, इसका मतलब आपको मिल जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल मिल जा रहा है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब जो मेरा इक्वेशन था वो हमको यहाँ मिल गया। देखिए वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, देखिए वही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो एक चीज और पहले बता दूं, इम्पोर्टेंट चीज, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप पांडे है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आपका जो चैनल है वो है नालायक ट्यूटोरियल एंड क्लासेस। क्या है? नालायक ट्यूटोरियल एंड क्लासेस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दें, आपको आपकी जरूरत की चीजें बगैर सर्च किए मिल जाएगी। कुछ चीजें ढूंढनी पड़ती है लेकिन यहाँ क्या होगा, बगैर सर्च किए बगैर ढूंढने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, जो मिरर फार्मूला है हमको मिल गया वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू, यही मेरा मोटो था और ये मैं अचीव कर ले गया, यहीं से मैं लेके चला और यहाँ मुझको ये मिल गया। सारे चीजों को आप एक बार वीडियो को बंद करो और फिर से आप इसको रिवाइज करो, ठीक है ना। थैंक यू।